हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज दूसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ। अभी मैंने पोस्ट की है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो हाँ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए दूसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर शाम का समय था, बैठी हुई थी, ये 2 दिन पहले का क्लिप था, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। और मैंने जो आज बनाया, क्या आप लोग इसको जानते हो कि नहीं बताइएगा कमेंट्स में। तो देखना आप लोग वीडियो पर मैंने क्या बनाया है आज। और बस श्रेया शूट कर रही थी, और अभी 2 दिन से जो वीडियो जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख रहे हैं, और कुछ मेरी बातों को समझ रहे हैं, कुछ यानी सब लोग अपना अपना बता रहे हैं कि किस तरीके से हैंकी टक वीडियो करना चाहिए। तो सबका अपना अपना है भैया, सही बात है। और पहले भी लोग करते थे हैंकी टक वीडियो, और ये पहले से ही चला आ रहा है, पर अब थोड़ा सा कई लोग अच्छे सभ्यतापूर्वक करते हैं हैंकी टक वीडियो, और कई लोग थोड़ा सा, मैंने बोल ही दिया था कैसा बनाते हैं। तो चलो इस टॉपिक में अब ज़्यादा बार बार बातें नहीं करते हैं, और हम मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग टाइम है, नहा धोकर आ गए हैं, और अब जाना है खाना बनाने के लिए। पूजा पाठ हो चुकी है, और मैंने लगा ली है ये फैन लवली। गले में दर्द है मेरे, वो भी क्यों मैं बता देती हूँ कारण। तो गले में दर्द इसलिए है क्योंकि मैंने ये खा लिया था। बेरी तो ये मैंने खा ली थी, इसलिए गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। बड़ी मुश्किल में तो गले का दर्द मेरा ठीक हुआ था, और फिर से हो गया अब तो। और आज है पूर्णिमा, तो आज है हमारा व्रत। कहूँगी मैं, क्योंकि बाल मेरे आधे सूखे हैं आधे नहीं, ऐसे ही क्लेचर लगा ले रहे हैं। जब पूरे सूख जाएंगे ना, तब मैं कंघी करूंगी। इसलिए क्लेचर लगा लिया। और क्या बोलें भाई, क्या नहीं बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कभी कभी टेंशन हो जाती है। और यहाँ पर बस मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, पर मैंने वॉइस ओवर कर दी है यहाँ पर, वो वॉइस मैंने कट कर दी है। और सुबह का टाइम है, और थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है, और वैसे भी क्योंकि स्लो आवाज़ आई है ना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। बहुत स्लो आ रही थी क्योंकि मेरे गले में दर्द है, तो बहुत स्लो बातें की है, तो वो वीडियो पर इतने अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर की है। और बातें क्या की है, बस यही कि अब मुझे क्या बनाना है, और किचन में जाना है, और काम वगैरह हो चुका है सुबह का, जो भी रहता है हमारा, सारी महिलाओं का सुबह झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, तो ये सारा कुछ मेरा काम हो गया है। और अभी ठंड भी कम पड़ रही है, 2 दिन से थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, तो आज भी मैंने स्वेटर वगैरह धोकर और सारा कुछ पैक करके रख दिया है। और दूसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है दूसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ। और एक सिस्टर है हमारी, जिनका मैं नाम लेना कल भूल गई थी, तो उनका मैं नाम ले रही हूँ, और उनका नाम है रीना की वीडियो, जो अभी न्यू क्रिएटर हैं, तो बहुत अच्छी हैं, मेरा वीडियो फुल वॉच करती हैं। इसलिए अच्छी नहीं है कि मेरा वीडियो फुल वॉच करती हैं, सच में कमेंट से पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं। तो सच में कुछ अभी न्यू न्यू लोग और मेरे पुराने भी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं, एक फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब तक उनका कमेंट्स नहीं आता है ना, तो मुझे अपना वीडियो अपना व्लॉग यानी अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलो अब हम आप लोगों से बातें करते हैं। अरे मैं दर्द है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ मैं, तो आज हमारा बक बक वीडियो नहीं है, यानी बक बक ब्लॉग नहीं है। आज क्या बनाना है देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है क्या बनाना है, जो भी बनाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है। और अभी तो जाते हैं
खाना वाना बनाने के लिए। रेहा बोल रही है बाफले बनाना है, मैंने एक बार बनाए थे बाफले। अब आप लोग बोल रहे हो कि बाफले, कई लोग जानते हैं बाफले क्या होता है, कई लोग नहीं जानते होंगे। ये देसी बाटी होती है बहुत अच्छी वाली, घी में फ्राई वाली, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी फाइनल लुक, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं किचन में और लग जाते हैं कुछ कुछ बनाने के लिए। तो बनाना क्या है, मैं सोच रही थी सिंपल सा पुलाव बना देते हैं श्रेया के टिफ़िन के लिए, जल्दी से रोटी और आलू या पूड़ी पराठा जो भी है वो बना दूंगी जल्दी से। तो देखते हैं, वैसे वो पराठे के लिए कह रही थी थोड़े से बाफले बना लेते हैं और थोड़ा सा पुलाव और आलू की सूखी सब्जी। और क्योंकि पुलाव मैं इसलिए अभी बना ले रही हूँ, और जब दोपहर का टाइम रहेगा ना तो गर्म गर्म दाल बना लेंगे उस समय। तो अभी मैं जल्दी से कर देती हूँ पहले सबसे पहले टिफ़िन की तैयारी और जो भी है, क्योंकि मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर बार रेसिपी शेयर करते ही रहते हैं। अभी थोड़ा सा आटा गूँथ लेते हैं, और बाफले का आटा हम अलग गूँथेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा बेसन, और क्योंकि थोड़ा ही बनाएंगे, शुक्ला जी को पसंद है, थोड़ा सा ही बनाएंगे हम, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हमारा फास्ट है तो ज़्यादा नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा ही आटा गूँथ कर हम बनाएंगे, तो बेसन हो गया, मक्के का आटा हो गया, और थोड़ा सा मोइन डाल देंगे, गेहूं का आटा हो गया, ये सारा मिक्स करके अच्छे से गूँथ लेंगे, कुछ देर तक रख देंगे, और उसके बाद हम बफा लेंगे यानी पानी में बॉयल कर लेंगे, उसके बाद हम घी में फ्राई कर लेंगे कट करके। तो इसी तरीके से बाफले बनते हैं। तो आपको दाल के साथ खाना है या फिर भरता के साथ खाना है, जो भट्टे बैंगन का भरता रहता है उसके साथ खाना है, जिसके साथ खाना है चोखा बोलते हैं जो। तो बस यहाँ पर श्रेया से बातें होते जा रही थी, श्रेया कर रही थी पढ़ाई, मोबाइल ट्राइपॉड में लगा हुआ था, तो मैंने बोले चलो आज आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और वैसे तो रोज़ ही बात करती हूँ मैं, यानी आज मैं बता रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो पास से तो नहीं बता रही हूँ, बस यहीं पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, थोड़े से आलू कट करके रखे हुए थे, टमाटर, तो बिना लहसुन प्याज की मैं सब्जी बना रही हूँ आज, क्योंकि फास्ट वगैरह रहता है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बचूँ लहसुन प्याज से। तो मैंने बिना लहसुन प्याज का बस आलू टमाटर की जीरा फ्राई सब्जी बनाऊँगी, जो कि मैं श्रेया के टिफ़िन में रख दूँगी, और वही शुक्ला जी के लिए हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने फरार के लिए थोड़े से चिप्स सेक लूँगी, पर अभी नहीं, दोपहर में, तो मैं बता दूँगी आप लोगों को। और कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं तो वो भी हो जाएगा। तो आज का समय हमारा ऐसे ही कुछ बीत जाएगा, और यहीं पर जल्दी सुबह सुबह ज़्यादा भागा दौड़ी का काम रहता है। अभी देखो मैं सारा कुछ काम करके आई हूँ, पोछा झाड़ू बर्तन कपड़े, सुबह ज़्यादा कपड़े धोए नहीं हैं, आधे मैंने रख दिए हैं, यानी जो मोटे मोटे से कपड़े थे, बड़े बड़े कपड़े हैं तो वो मैंने रख दिए हैं, यानी निरमा में भिंगो कर, यानी सर्फ रहता है ना उसमें भिंगो कर रख दिया है उसको ना, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं आराम से धोती रहूँ। तो फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहती थी, मुझे किसी ने कहा नहीं है पर मैं अपने मन से कह रही हूँ, नेहा सिसई, उनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा आज, वीडियो जो मैंने करीब उनका वीडियो 3 बार देखा, तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी, शॉर्ट वीडियो था, सॉन्ग था, पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर वो देख रही हैं तो सच में बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैं बार बार देख रही थी उनका वीडियो। और आज कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर जो भी है फाइनल लुक मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही, गले में दर्द है ना, तो मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, पर वीडियो तो मुझे अपलोड करना ही था, इसलिए मैंने रहने दिया, मैंने चलो कुछ शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो थोड़े से बाफले बनाए थे, इतने नहीं बनाए थे, थोड़े से और ज़्यादा बनाए थे, पर ये मैंने अभी बता दिए हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, अगर आप लोग बनाना चाहो और फिर से अगर रेसिपी देखना है इसकी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इस तरीके से पीस करके हम फ्राई कर लेते हैं शुद्ध घी में, तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़्यादातर ना ये भरता की, बैगन का भरता रहता है ना उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सिंपल सा पुलाव बनाया है, एक बार और पुलाव बताया था तो मैंने उसमें गाजर वाजर मिक्स करके बनाई थी, ये सिंपल है, सिर्फ मटर डाल दिया था मैंने और खड़ा गरम मसाला, तो बस। और ये चने की दाल भिंगो कर रख दी है, शाम को ढोकले की तैयारी होगी। और उसके बाद हम आ गए हैं, थोड़े से मैंने पपीते कट मैंने नहीं किए, शुक्ला जी ने किए थे, तो आप लोग देख रहे हो हालत में थक चुकी हूँ, तो बस इसके बाद थोड़ा सा ये पपीते खाएंगे, और थोड़ा सा मैंने चिप्स सेक लिए हैं तो वो खा लेंगे, बस हो गया हमारा फलाहार। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा,
तो बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। देखो लाइक करने का ही पैसा ही लगता है और सब्सक्राइब करने का भी पैसा नहीं लगता, बस ये है कि आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दें जिसमें मुझे अच्छा लगे। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।